राइट नाउ हमें ज्वाइन कर रहे हैं वकार रिजवी साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, और सलमान भोजानी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहला सवाल ही आपसे ये कि क्या असरात पड़ते देख रहे हैं हम खित्ते पे असरात, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया के खित्तों पे असरात उसके पड़ते हैं, स्पेशली पाकिस्तान पे इस बार क्या असर पड़ेगा, अगर तो कोई पड़ेगा? ऐसा लगता है कि अगर ट्रंप जीत गया तो वो पाकिस्तान के बारे में ज़रा भी केयर नहीं करेगा। इनफैक्ट वो शायद मुस्लिम को बैन कर दे पाकिस्तान से आने के लिए यहाँ पे। और अगर कमला हैरिस जीतती है तो वो ज़्यादा इंक्लूसिव उसकी प्रेजिडेंसी होगी, वो ज़्यादा लोग को चाहेगी कि लोग आए हर तरीके से और हर जगह से अमेरिका के अंदर। तो आई थिंक पाकिस्तान के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी अमेरिका में काफी अच्छी तरह से जोरों शोरों से सेलिब्रेट कर सकेगी। अब अभी तक की डिस्कशन में वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द स्विंग स्टेट्स, तो स्विंग स्टेट्स के इस बैटल ग्राउंड में ट्रंप कमाला को डिफीट कर पाएंगे या कमाला आपको आगे बढ़ता दिख रहे हैं? ये काफी डिफिकल्ट है कॉन्फिडेंट से बताना कि ये कौन कामयाब होगा स्विंग स्टेट्स के अंदर, और स्विंग स्टेट्स में ही ये वोट डिसाइड होने वाला है, ये इलेक्शन डिसाइड होने वाला है। दोनों कैंडिडेट्स काफी जा रहे हैं हर दिन अलग अलग स्टेट्स के अंदर, जो स्विंग स्टेट्स है उनको बता रहे हैं वोटर्स को कि उनको उनकी क्या फ्यूचर है ये उनकी प्रेसिडेंसी का। और ऑब्वियसली ट्रंप काफी हेट रेटरिक है उसका कि भाई इमिग्रेंट्स खराब है और मुझे इलेक्ट करोगे तो मैं सब वॉर बंद कर दूंगा, मैं सब कुछ सही कर दूंगा अमेरिका में, और अमेरिका बहुत खराब हालत में है अभी। और कमला हैरिस का बहुत इंक्लूसिव मैसेज है कि अमेरिका बहुत रिजिलियंट है और अलग अलग लोगों से मुल्कों से लोग आए हैं और उनको हम लोग को चेरिश करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी वजह से अपना अमेरिका काफ़ी अच्छा है। तो मुझे वो मैसेज ज़्यादा पसंद आता है बनिस्बत डिविजन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।